इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। इस्लाम जिला बेलगाम के सदर की अदालत में एक मुख्तसर सी मजलिस और राष्ट्रपति की मुनाकिद की गई, जिसमें यह तय पाया कि तमाम मुसलमान हजरात जो है जो लॉकडाउन में कुछ सहूलत दी गई है उसका गैर फायदा उठा जो है ज्यादा से ज्यादा वजूद की सूरत में बाजारों वगैरह में न जाए, उससे एहतियात करें, उससे परहेज करें। और दूसरी एक राय ये भी आई है कि शहर बेलगाम की जानिब से तमाम जमातों की तरफ से ये राय आई है कि ये लॉकडाउन जो है रमजान तक वो आखिरी रमजान तक ईद तक बढ़ाया जाए, हमारी राय मुसलमानों की राय और इसमें छूट न दी जाए, ताकि इसमें कुछ बातें हैं इसी वजह से, ताकि ईद के मौके पर बहुत सारे लोग निकलते हैं, मुसाफा भी करते हैं, मुआनका भी करते हैं, फिर वो तमाम चीज़ें हमारे ऊपर ना आए, इसका एहतियात करें। इसके अलावा जो माह मुबारक बरकत वाला महीना है और हर मुसलमान इसकी कदर करता है, रमजान के रोजे रखता है, कसरत से इसके अंदर तिलावत करता है और कसरत से इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगे कि अल्लाह ताला ये कोरोना की बीमारी को तमाम से इंसानों को दूर कर दे और तमाम इंसानों को इससे नजात दिलाए। हो सकता है मालूम नहीं कौन अल्लाह के बंदे की एक दुआ कबूल हो जाए और एक कबूल होने बीमारी दूर हो जाए, क्योंकि दवा के साथ दुआ भी होनी चाहिए और दवा उसकी हद तक नहीं है कि एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही है। बेहतर ये है कि हम एहतियाती तदाबीर पर पूरा पूरा अमल करें, किसी को कोई शिकायत का मौका न दें, घरों ही में नमाजें पढ़ें, घरों में रहें, बिला वजह बाहर न घूमें, ज़रूरी चीज़ें न लें और नया कपड़ा वगैरह लेना भी कोई ज़रूरी नहीं है। अब बात साफ आ गई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के मौके पर कभी नया कपड़ा नहीं बनवाया है, वही अपने पास जो अच्छी से अच्छा ड्रेस होता था वही पहनते थे। आपके पास अच्छी से अच्छा जो लिबास है वो पहनकर ईद का एहतमाम कीजिए और फजूल खर्ची करने के बजाय दूसरी जो चीज़ें हैं हमारे जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें, जो परेशान हाल हैं दूसरों के सामने जबान नहीं खोल सकते और सवाल नहीं कर सकते, उन लोगों को दे करके ताकि वो रोजाना इस्लाम सदर मुहतरम इस अदालत में मुख्तलिफ जमातों के जिम्मेदार ये अहम नशीश मुनद और फिर इंतखाब ये फैसला किया गया कि खास गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन में किसी ही क्यों ना दी जाए, लेकिन खुद हम गैर जरूरी कामों के लिए या गैर जरूरी चीज को फरोख्त के लिए बाजार का रुख हरगिज ना करेंगे और हम जमात के जिम्मेदार उस पर खुद अमल करेंगे और अपने मुताले जमात के अफराद और मुसलमानों को इस पर अमल करवाने की कोशिश करेंगे और इसी में मजीद तरबियत पहुँचाने के लिए जमात के जिम्मेदार ने यह भी फैसला किया कि हम बजाते खुद बेलगाम के किसी से भी गुजारिश करेंगे कि इस लॉकडाउन की मुद्दत को ईद तक बढ़ा दी जाए, ताकि बढ़ते कोरोना से खुद हम महफूज रखें, अपने शहर को महफूज रखें और अपनी आबादी को भी महफूज रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग ही एक मुनफरिद और कारगर तरीकेकार है इस वक्त से बचने के लिए। इसी पर मजलिस का इख्तिताम हुआ, हम गुजारिश करेंगे कि गैर जरूरी तौर पर हमारी कौम के अफराद हरगिज़ न बाजार की तरफ जाए न अपने आगे खाना को खवातीन को और जिम्मेदार या अपने नौजवानों को जाने दें और सख्ती के साथ जमात के लोग अपनी अपनी आवाजों में इस पर अमल करवाने के लिए अपने तौर पर भी तरकीब करें। परवरदिगार आलम दफा की जाए कि लॉकडाउन का टिकट
रमजान जिले में रमजान तक बढ़ाए जाए, क्योंकि रमजान के मुबारक महीने में हमारे लोग बाहर जाते हैं, सिर्फ उससे फिर नहीं होगा, घंटे बराबर नहीं होगा। तो इसी हिसाब से एक मेडल देकर उनसे दरखास्त करके इसे बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ सभी से ये दरखास्त है कि खुद अच्छा ना करें, जितने जरूरी चीज़ें हैं उतने ही करें, और जो पैसा बचता है वो आगे के लिए बचा करके, और साथ ही साथ जो जरूरतमंद है वो जरूरतमंद है उनके जो भी जरूरत की चीजें हैं वो पहुँचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौजूदगी में तमाम हमारी दीन शहर और जमातों की मीटिंग बुलाई गई थी, ताकि शहर बेलगाम में किस तरह से जो है इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। आज हालात ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। आज बेलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि पूरा जो है बेलगाम शहर जो है पूरा ग्रीन जोन में आ जाए, और हम तमाम बेलगाम के मुसलमान और हमारी दीन शहर उलमाए कराम और जमातों के सदर और सेक्रेटरी ने इस बात का इरादा किया है कि हम इस लॉकडाउन को जो है ईद तक के लिए कंटिन्यू किया जाए। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इसे ईद तक के लिए बढ़ा दिया जाए।